सॉरी अम्मी। क्या कर रही हो तुम मायरा? सॉरी अम्मी। अम्मी देखो फिर से लड़ रहे हैं लोग। मायरा मरियम आप लोग खामोश बैठेंगे अब? थप्पड़ खाएगी ना पिद्दी की बच्ची तो सही हो जाएगी। चल चुपचाप बैठी रहे। अरे संभाल के मरियम बीबी। अरे मरियम अम्मी ये फिर से चुड़ैल मुझे परेशान कर रही है। चुड़ैल? पिद्दी की बच्ची तुझे मैं चुड़ैल नजर आती हूँ? माहिरा अम्मी क्या ये मुझे हमेशा ये सब बोलती रहती है। मुझे काफी खरीदारी करनी है मैं चलती हूँ। हाँ जी अम्मी। देखा आपने सब लोग आपको कैसे रुक रुक के देख रहे हैं कि मायरा की अम्मी आई है। देखा कितनी फेमस है आपकी बेटी। बाय। कहाँ जा रही है मैडम? क्या बात है भाई? क्या बात है मैडम? शहर भी छोड़ देंगी ना तो बच नहीं पाएंगी। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। क्या क्या बात है? बात है ये बात है रेहान आज इसके मूड को हुआ क्या है? हाँ पता नहीं आज सुबह से गुस्से में क्यों है ये। गुस्सा? रेहान रेहान अरे आई एम सो सॉरी कल मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था तो इसमें मैं क्या करूं? रेहान तुम मुझसे गुस्सा हो ना तो ठीक है, क्लास में क्यों अपना गुस्सा निकाल रहे हो? वो तो अटेंड कर लो प्लीज। Only if I could. क्लास क्यों नहीं अटेंड कर सकते हो? Just because I'm suspended for a day, Mahira. And that's because of your sister. अब क्या हुआ तुम दोनों के बीच में? फिर से झगड़ा हुआ है क्या? मैं क्लास मार्चबंग मारने के लिए रेडी थी। सिर्फ तुम्हारी बहन को वहाँ बैठकर पढ़ना था। उसने ना सिर्फ हमारा कॉन्सर्ट कैंसिल करवाया बल्कि जाके मेरी कंप्लेन भी कर दी। मुझे पता है तुम दोनों को एक दूसरे से झगड़ने में बहुत मजा आता है, पर लगता है इस बार तुम्हारी टक्कर का कोई मिला है रेहान। मेरी टक्कर की? किताबों में कीड़े की तरह घुसी रहती है और कुछ भी नहीं। बहुत ही बोरिंग और जिद्दी लड़की है वो। क्या बकवास कर रहे हो? देखो मेरी बहन के बारे में कुछ मत कहना। मैं बकवास कर रहा हूँ? She went to the principal like a loser, not me. Enough. लूजर नहीं है वो, अपनी पढ़ाई और करियर के लिए फोकस्ड है और सबसे ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट भी है। मतलब मैं स्मार्ट और इंटेलिजेंट नहीं? ठीक है एक काम करो तुम खुद अकेली चली जाओ पासपोर्ट ऑफिस, मैं नहीं आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। अकेली? अकेली तो मैं अमेरिका भी चली जाऊंगी, ये पासपोर्ट ऑफिस क्या है? मेरे अब्बू है, मैं पहले पूछूंगी, जो पहले पहुंचेगा ना वही पूछेगा। नहीं मैं पूछूंगी। यह है इस शहर के बेहतरीन जर्नलिस्ट मजाज खान। सर सर कुछ कहना चाहेंगे? सर प्लीज। मेरे बारे में कोई कितनी भी गलत खबरें फैला ले या मुझे कितना भी डराने की कोशिश करे, मैं अपने इरादों से पीछे हटने वाला नहीं। जब तक मुझे आप लोगों का साथ है तो मैं हर बुरी ताकत से लड़ पाऊंगा। हम आपके साथ हैं सर और हमेशा रहेंगे। बहुत अच्छा किया आपने, उस फेक रिपोर्टर को पकड़वा कर और बच्चियों की स्कूल के जमीन के सबूत लाकर आपने तो उनका मुंह ही बंद कर दिया। हमने तो यहाँ तक सुना है कि किसी बड़े बिजनेसमैन ने इसे टीवी पर दिखाने के लिए पैसे तक दिए हैं। वो तो अच्छा हुआ कि आपने पर्दाफाश कर दिया। हमारे देश में मजाज खान जैसे जर्नलिस्ट की बहुत जरूरत है आज के इस दौर में, जहाँ लोगों का मीडिया पर भरोसा उठता जा रहा है। तभी
मजाज खान एक नई उम्मीद, नई किरण बनकर आए हैं। मजाज खान जिंदाबाद, 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 मजाज खान जिंदाबाद। मजाज खान जिंदाबाद, मजाज खान जिंदाबाद, मजाज खान जिंदाबाद, खान जिंदाबाद। माशाल्लाह, ये हुआ ना शाही अंदाज, इसे कहते हैं नवाबी शान। खुश रहिए। अम्मू, अम्मी कैमरा ले आइए, मुझे अपना रोल मॉडल मिल गया। और मुझे मिल गई आप। जब तक ये जूते अच्छी तरह से नहीं चमक जाएं, तब तक आप यहां से हिलेंगी भी नहीं। पर मैंने तो कुछ नहीं किया अम्मी, फिर पनिशमेंट क्यों? ये पेपर में फोटो आपने छपवाई है। आपकी कोई परवाह नहीं कर रहा था ना, इसीलिए तो आपने ये फोटो पेपर में छपवा दी। अब्बू, ये फोटो किसका है और उनके नीचे क्या लिखा है? बेटा वांटेड लिखा हुआ है। वांटेड मतलब? जी आपकी लेआउट्स रेडी है। आप सब तो बेवजह मेरे पर नाराज हो रहे हैं। मुझे लगता है इस घर में मेरी कोई जरूरत ही नहीं। आई एम नॉट वांटेड। अम्मी वांटेड हो गई, अब उनको नहीं लगेगा कि उनको कोई नहीं चाहता। सॉरी अम्मी, मुझे पता ही आपकी अच्छी फोटो नहीं है, इससे अच्छी फोटो थी ही नहीं आपके। अगली बार मैं अपने कैमरे से खींचूंगी फिर डालूंगी। मरियम, आप बहुत बिगड़ती जा रही हैं। हर बात का जवाब है आपके पास, बहुत पर निकल रहे हैं आपके। मेरे तो पर निकले नहीं। ये क्या हुआ भाई, किसको डांट पड़ रही है? ला हौल वला कुव्वत, क्या बेहूदगी है ये। नवाब के बच्चे जूतों को हाथ भी नहीं लगाते, उससे जूते साफ करवाए जा रहे हैं। अब्बू, ये आप लोगों ने नवाबों के बच्चे, नवाबों की लड़की बोल बोल के ना इसको बहुत बिगाड़ दिया है, तभी तो ये हाल हुआ है। मेरी एक बात नहीं सुनते। हाँ, इसीलिए तो मैंने आपकी फोटो डाली थी ताकि आप वांटेड हो जाए। हर चीज मजाक नहीं होती मरियम। आपने ना ही अपनी अम्मी को नाराज किया है, बल्कि न्यूज़पेपर का रेपुटेशन भी खराब किया है। आज आपको कोई माफी नहीं मिलेगी।